गुड मॉर्निंग दोस्तों, रिपब्लिक भारत टीवी में आपका स्वागत है। खबर रोहतास के दिनारा से है, जहां दिनारा का लाल ने बिहार का नाम रोशन किया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मैट्रिक परीक्षा में आए बिहार टॉपर संदीप कुमार की। संदीप कुमार ने कुछ ऐसा किया कमाल कि बिहार में उनकी एक पहचान बन गई। अपनी इस सफलता पर उन्होंने क्या कहा, इसका श्रेय उनके माता पिता फूफा एवं एपेक्स स्टडी सेंटर दिनारा को जाता है। इनका जन्म दिनारा के कुछ ही गांव में हुआ है। पिताजी इनके भारतीय किसान हैं। बालदेव हाई स्कूल में इनकी पढ़ाई हुई। संदीप का सपना है कि वह आगे चल करके इंजीनियर बने और देश की सेवा करें। संदीप के खुशी में शामिल होने के लिए सेव इंडिया मिशन स्कूल संझोली के डायरेक्टर ने इन्हें सम्मानित किया और आर भारत टीवी चैनल के रिपोर्टर इन चीफ ने दी बधाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ अक्षय बच्चन उपजेपी। इस वक्त मैं रोहतास जिला के दिनारा बाजार में उपस्थित हूं। संदीप कुमार ने बिहार बोर्ड परीक्षा में प्रथम लहराया है और बिहार का नाम को रोशन किया है। संदीप कुमार के पिता महाराज सिंह ने कुशी निवासी थे। दिनारा बालदेव हाई स्कूल में पढ़ते हुए अपेक्स स्टडी सेंटर से लॉकडाउन में घर पर रहकर संदीप कुमार ने ऑनलाइन पढ़ाई की थी। सभी रोहतास जिला टॉपरों को सेव इंडिया मिशन स्कूल संझौली के डायरेक्टर द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। उसी के क्रम में आज दिनारा के लाल से मुलाकात करेंगे आर भारत के रिपोर्टर एंड चीफ बिहार के राजेश कुमार सिंह ने बच्चों को धन्यवाद देंगे। इसके साथ साथ चलिए आइए चलते हैं सीधे बिहार टॉपर संदीप कुमार के पास और जानते हैं कि इनसे बिहार टॉपर बनने की राज। तो आइए सीधे चलते हैं संदीप कुमार के पास। मैं ग्राम कुसाई पोस्ट कलियारी थाना दिनारा जिला रोहतास बिहार का निवासी हूँ। जी, आपने अभी बिहार टॉपर किया है, बिहार टॉपर का होने में आपका राज्य क्या है? मैं इस सफलता का सबसे बड़ा श्रेय अपने फूफा जी श्री जवाहराय को देना चाहूँगा, उसके साथ ही अपने पिता श्री महाराज सिंह और अपनी माता श्रीमती इंदू देवी को देना चाहूँगा इसका श्रेय। इसके साथ ही अपने विद्यालय बलदेव उच्च विद्यालय दिनारा और अपने संस्थान अपेक्ष सरकारी संस्था दिनारा को इसका श्रेय देना चाहूँगा। ये बताइए सर कि लॉकडाउन में काफ़ी परेशानियाँ उठानी पड़ती थी पढ़ाई में, आपने पढ़ाई को पूरा कैसे किया? सबसे पहले तो मुझे लॉकडाउन में अपने फूफा जी के तरफ से लगातार मार्गदर्शन मिलता रहा है और रोज़ मुझ पर 1 से 2 घंटे समय दिया करते थे। साथ में ही हमारे कोचिंग संस्थान अपेक्स स्टडी सेंटर के द्वारा अपेक्स स्टडी सेंटर ऐप लॉन्च किया गया था, उससे मुझे काफ़ी सहायता मिली और साथ में यूट्यूब पर इनके चैनल पर कंटेंट उपलब्ध कराए जा रहे थे, जिससे मुझे काफ़ी लाभ हुआ और मेरी पढ़ाई जारी रही। आपके सफलता की राज में अपेक्स स्टडी सेंटर का बहुत बड़ा हाथ है ना? जी सर, मैं भविष्य में एक इंजीनियर बनना चाहता हूँ और एक IITian के रूप में मैं समय को देखना चाहता हूँ। पढ़ने के साथ साथ मैं क्रिकेट और बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद करता हूँ और इसको यह संदेश देना चाहूँगा कि वो कहीं भी पढ़े तो पूरी तरह क्लास में कॉन्सेंट्रेटेड रहे और टीचर के द्वारा बताई गई बातों को ध्यान से सुने। साथ में जब आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बुक से ना पढ़ के अपने नोट्स से पढ़ें, क्योंकि नोट्स की जो बातें हैं अच्छे से समझ में आती हैं। और साथ में ही आप कोई भी एग्ज़ाम दें, मैट्रिक हो या इंटर, कोई भी एग्ज़ाम दें तो उसमें अपनी हैंडराइटिंग का ध्यान रखें, क्योंकि हैंडराइटिंग का एक बड़ा महत्व है एग्जाम में। और सबसे पहले सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अमित कुमार सिंह हुआ, मैं दिनारा का निवासी हूँ और अपेक्स स्टडी सेंटर जो है वो मेरा ही संस्थान है। आपके सर सेंटर से पढ़ाए गए कितने बच्चे टॉप आए हैं? हमारे यहाँ 90% से ऊपर बच्चे हैं, 6 और 85 लगभग यही 17 से 18 है और 80 के ऊपर हमको लग रहा है कि 20 से 22 है। अभी सर आपके इस इंस्टीट्यूट से एक बिहार टॉपर लड़का निकला हुआ है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत खुशी है
बिहार टॉपर निकला है और उसको मैं बार बार बधाई देना चाह रहा हूँ। और मेरा नाम सुरेखा खातून है और मैं दिनारा की रहने वाली हूँ। मैं बलदेव हाई स्कूल से पढ़ी हूँ और मैंने अपेक्स ज्वाइन किया था 9th से ही और मैं यहीं से पढ़ रही हूँ। आपके परीक्षा में कितने टोटल परसेंटेज आए हैं? मेरा 87% आया है। ज्योति गुप्ता है और मैं अपेक्स स्टडी सेंटर की छात्रा हूँ और दिनारा की हूँ और बलदेव हाई स्कूल विद्यालय से पढ़ी हूँ। कितना परसेंट आया मैट्रिक में आपका? मैट्रिक में मेरा 90% आया, 8% रिजल्ट आया है। इसका श्रेय आप किसको देते हैं? इसका श्रेय अपने टीचर्स और अपने गार्जियन और अपने भाई बहन को देना देता हूँ। आपका मैट्रिक में कितना मार्क्स आया था? 90% अभी आपके पास रह के एक बच्चे ने ये बोर्ड का परीक्षा दिए हैं और उन्होंने बिहार टॉपर के रूप में आया है, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? इसके लिए तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि मेरी छत्र छाया में वो रह करके बिहार टॉप किया है। ठीक है सर, इनका सपना है ये इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, तो क्या इनका सपना आप साकार कर सकते हैं? इसमें कोई दो राय नहीं है, ये करवे करें।